हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट। देखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे उसका एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ना वर्किंग कैपिटल होता क्या है उसको स्टार्ट करें, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स सपोज आपने जो है एक बिज़नेस शुरू करना है। अब कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए होती है? माँ बाप की दुआओं के साथ साथ पैसा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास जो है इनफ कैपिटल नहीं है, इनफ पैसा नहीं है, तो आप अपना बिज़नेस कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? अब मान लो मुझे जो है कोई बिज़नेस करना है, कोचिंग का ही बिज़नेस करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने यहीं पे अपने एक रूम में बैठा लिए बच्चे, तो उनको पढ़ाने के लिए एटलीस्ट मुझे एक बोर्ड चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगी, मार्कर चाहिए होगा, नोटबुक्स चाहिए होंगी अगर ज़रूरत हुई तो। इन ये सब कहाँ से आएगा? इस सब के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसी तरह कोई भी बिज़नेस जब काम करता है, मैन्युफैक्चर का बिज़नेस करता है, ट्रेडिंग करता है, तो समय समय पर उसको क्या चाहिए होता है? कच्चा माल चाहिए होता है। समय समय पर उसको प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। समय समय पर पानी का जो है फैसिलिटी चाहिए होता है, एंड बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए होती है। और ये सारी फैसिलिटी कैसे आएंगी? ये सारी फैसिलिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यानी कि वर्क करते रहने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कैपिटल चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो कि आपके बिजनेस की डे टू डे जो आपकी रूटीन्स है, जो बिजनेस आपका प्रोडक्शन कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, उसको चलाए रखने के लिए जरूरत होती है। क्योंकि अगर लेट सपोज आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रोडक्शन जो है करते करते वो 2 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा भी फिर आपको क्या चाहिए होगा? दोबारा से पैसा चाहिए होगा। अब ये जो पैसा जो आपके बिजनेस में ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको निरंतर चलाए रखने के लिए, कि उसमें रुकावट ना आए, उसके लिए आपको वो पैसा चाहिए होता है, वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। कंसिस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट, यानी कि ये वो फंड्स होता है जो कि इन्वेस्टेड होता है इन करंट एसेट। करंट एसेट आपके जैसे कि कौन कौन से? स्टॉक हो गए आपके। स्टॉक में कैसे इन्वेस्टेड होता है? आपने कच्चा माल लाए, आपने जो है माल बनाया और उसको रखा है अपने पास, उसको बेचोगे तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, यानी ये माल जो आप बेच रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सीधा सीधा माल उठा रहे हो, आगे बेच रहे हो, जैसे पेंसिल सामने से खरीद रहे हो, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन करके बेच रहे हो, तो इसको खरीदने के लिए ये आपके लिए क्या होगी? या स्टॉक हो गया, चाहे आपका बना हुआ है या आपने बनाया, तो ये आपके लिए स्टॉक हो गया। अब इसको बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए, जो भी आपका ऑप्शन है, जो भी आपका सिनेरियो है, जो भी आपका सिचुएशन है, दोनों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये करंट एसेट में एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट इज, या तो वो पैसा आपका बैंक में पड़ा होगा कि भैया कल को किसी को पेमेंट करनी है, किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, या फिर आपके पास कैश पड़ा होगा कि जो खर्चे हो रहे हैं, डे टू डे रूटीन अपने ठीक करा रहे हो, थोड़ा सा कुछ ला रहे हो तो उसमें खर्चा होगा। अदर करंट एसेट आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे डेटर्स होते हैं। अब डेटर्स में कैसे ये खर्चा हुआ? कि आपने स्टॉक बनाया था, स्टॉक अपने डेटर को बेचा, वो अभी पैसे नहीं दे रहा, कल देगा, तो एक तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट ही किया है आपने, तो जो कि कल आपको मिल जाएंगे, तो वो होते हैं आपके सारे करंट एसेट। तो एक तरीके से ये वो फंड होता है जो कि आपने इन्वेस्ट किया है कहाँ पे? करंट एसेट में। देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला आपका ग्रॉस कॉन्सेप्ट एंड दूसरा आपका नेट कॉन्सेप्ट। पहला जो ग्रॉस कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से होता है, क्या बोला जाता है इसको, कि ग्रॉस कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट। ये वो पैसा है जो आपने करंट एसेट में इन्वेस्ट किया है, ग्रॉस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस कॉन्सेप्ट क्या है? चूँकि पूरा का पूरा आपने क्या किया है? वर्किंग कैपिटल में एक तरीके से डाला है। वहीं पर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट। तो अगर बात की जाएगी ग्रॉस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो उसके अंदर आप क्या कहोगे कि जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो सारा का सारा कहाँ गया है? करंट एसेट में। या तो स्टॉक लिया, या फिर बैंक में पड़ा, या फिर कैश पड़ा, या डेटर को जो है उधार पे सामान बेचा तो उस सामान में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ये सारे आपके करंट एसेट। तो जो करंट एसेट है दैट इज इक्वल टू योर वर्किंग कैपिटल इन दिस सिचुएशन। पर जब आप नेट की बात करोगे, अब देखो जब आप P&L बनाते हो, उससे थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। जब आप P&L बनाते हो तो जो एक्चुअल उसके प्रोडक्शन के खर्चे होते हैं, उससे जो निकल के आपका प्रॉफिट आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और उनमें से जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल के और इनडायरेक्ट इनकम्स प्लस कर देते हो, तो आपके पास एक आ जाता है नेट प्रॉफिट, कि अब ये जो है मेरे हाथ में बचा हुआ है सारे खर्चे पानी निकाल करके। वही नेट प्रॉफिट, नेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है वर्किंग कैपिटल का, कि देखिए
कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। अब लेट सपोज आपको जो है 1 लाख की वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब इस सिचुएशन में आपको ये भी पता है कि कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जो आपके बचपन के चड्डी बड्डीज हैं, उनके पास आप जाओगे, कहोगे कि भाई थोड़ा सा कच्चा माल दे दे, मैं तेरे को बाद में पैसे दे दूंगा, जब मेरे पास आएंगे मैं तब दे दूंगा। उसने भी कहा चल ठीक है, तूने मेरे को उसका नंबर ला करके दिया था तो मैं तेरे को ये दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्ती निभा रहे हो या कोई भी अपना जो है एक रिलेशन निभा रहे हो, बिजनेस रिलेशन, तो वहाँ पे आपको कुछ उधार में सामान मिल जाता है। तो यानी कि उसके लिए अभी आपको कैपिटल की इतनी आवश्यकता नहीं है, वो आप फ्यूचर में भी कवर अप कर सकते हो। तो इसका मतलब आज के सिचुएशन में नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट में ये देखा जाता है कि आपके पास करंट एसेट जो है उसका एक तरीके से कितना एक्सेस हो रहा है कंपेयर ओवर करंट लायबिलिटी। यानी करंट लायबिलिटी आपकी कौन कौन सी हो गई, आपने उधार पे माल खरीदा वही आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, आपने अभी खर्चे पे करने हैं वो आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, और करंट एसेट लेट सपोज आपकी 1.5 लाख की है और करंट लायबिलिटी आपकी लेट सपोज 1 लाख की है। तो यहाँ पे जो करंट एसेट है, करंट एसेट का जो अमाउंट है दैट इज ओवर ऑफ योर करंट लायबिलिटी जो कि आपकी 1 लाख है, तो उससे कितनी एक्सेस है 50,000 रुपीज़ ओनली। तो ये 50,000 आपका जो है नेट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आएगा कि भैया इतना नेट वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो ये बात की जाती है। ग्रॉस में क्या किया जाता है, ग्रॉस में यानी कि सब कुछ उठा लो, सब कुछ उठा लो, ठीक है। और वहीं नेट में क्या देखा जाता है, नेट में देखा जाता है कि भैया करंट एसेट तो उठा ही रहे हो, उसमें जो है करंट लायबिलिटी माइनस कर दो और देखो कि अब कितना आपको चाहिए। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ के चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू 2, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 2 मेन भागों में इसको बांटा गया है, पहला परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, दूसरा वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। परमानेंट और फिक्स्ड, फिक्स्ड जैसा कि फिक्स्ड कहता है कि आपका जो है ये फिक्स्ड रहने ही वाला है, लंबे समय तक निरंतर चलने वाला है, इतना कैपिटल तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपका प्रोडक्शन भले ही 0 हो रहा हो, रेंट आपको देना ही देना है 4 लाख 5 लाख या जो भी है, आपका प्रोडक्शन भले ही 0 हो रहा हो पर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके होते ही होते हैं। आपने पता नहीं कभी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा करके देखा होगा या नहीं, अगर आपका कमर्शियल बिल है, मुझे घर का तो मैंने इतना ध्यान से मैंने भी नहीं देखा, पर अगर आप कमर्शियल बिल उठा करके देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स चार्जेस यानी कि अगर आप लाइट बंद करके भी रखोगे ना पूरे महीने तो उतना खर्चा तो आएगा ही आएगा, उतना बिल तो आएगा ही आएगा, दैट इज द फिक्स चार्ज जो कि चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से फिक्स्ड जो कुछ खर्चे आपके फिक्स्ड हैं, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 हो, चाहे आपका प्रोडक्शन 2 लाख हो, चाहे आपका प्रोडक्शन 3 लाख हो, आप ऐसा नहीं कह सकते मकान मालिक से, मकान मालिक वाले भैया इस महीने तो कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है तो आप रेंट मत लीजिए, या फिर ऐसा नहीं कह सकते इस महीने अपन ने बहुत तरह भाई ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा तू भी खुश रहे 2,000 रुपये तेरे को भी एक्स्ट्रा देता हूँ, तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता। वो खर्चा आपको जो है देना ही पड़ेगा और वो फिक्स्ड है। द नेक्स्ट वन इज़ योर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि उसको में चेंजेस आते रहते हैं, तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता रहेगा वैसे वैसे उसका खर्चा ज़्यादा होता रहेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ पहले आप एक पेंसिल बना रहे थे तो थोड़ा सा मटेरियल लग रहा था, वहीं आप ज़्यादा पेंसिल बनाओगे तो मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, लेबर को भी ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा, ओवरहेड्स भी ज़्यादा लगेंगे। तो वो सारे खर्चे जो कि डिपेंड करते हैं कि आपके कितने यूनिट्स ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, किस कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल के खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। तो ये 2 तरीके के आपके वर्किंग कैपिटल्स बन के आती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल फर्स्ट। अब ये परमानेंट एंड फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड सपोर्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यानी कि ये वो मिनिमम अमाउंट होता है जो कि आपको चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए नाम से, जो कि क्या करता है आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आप कर सको अपने फिक्स्ड एसेट का, आपकी जो बिल्डिंग है उसका यूटिलाइजेशन ठीक से कर सको और साथ ही साथ जो आपके नॉर्मल ऑपरेशन है बिजनेस के वो ठीक तरीके से चलते रहें। इसको भी आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसको, परमानेंट और फिक्स्ड वेरिएबल को। सबसे पहला इनिशियल वर्किंग कैपिटल, यानी बिजनेस शुरू किया है तो सबसे पहले बिजनेस शुरू करते ही जो है सब कुछ आ नहीं जाएगा, आपको बाय करना पड़ेगा, तो वो क्या करोगे आप इनिशियल वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस के इनिशियल में स्टार्टिंग में आप वर्किंग कैपिटल लगाओगे दैट इज योर इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इट इज द कैपिटल विद विच द प्रोजेक्ट इज कमेंस, यानी कि ये वो कैपिटल होता है जिसकी सहायता से आप क्या करते हो अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज योर रेगुलर वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो आपको अपने दूसरे आप कामों के लिए चाहिए, निरंतर काम करते रहने के लिए चाहिए होता है। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड कैपिटल टू कीप अप द सर्कुलेटिंग कैपिटल फॉर्म कैश टू इन्वेंट्री द रिसीवेबल एंड बैक अगेन टू कैश, ठीक है। तो ये वो आपका
लिक्विड कैपिटल होता है जो आपको सर्कुलेट करते रहने के लिए चाहिए होता है कि कैपिटल से कैश में जाए, फिर इन्वेंट्रीज बने, फिर रिसीवेबल बने, फिर दोबारा कैश बन जाए, तो ये निरंतर चलता रहे। नेक्स्ट इज योर वेरिएबल वर्किंग कॉन्सेप्ट, इसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ द एडिशनल कैपिटल नीडेड टू मीट सीजनल एंड स्पेशल नीड। ये क्या है? ऐसा एडिशनल कैपिटल है जो कि आपको ज़रूरत होती है किसके लिए? सीजनल एंड स्पेशल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। कई बार होता है ना, जो कूलर के प्रोडक्शन होते हैं वो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है सीजन आने वाला है, तो उनको जो है मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और डिमांड पूरी करनी है, तो उस सिचुएशन में उनको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है एकदम से, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, लेबर को देना होगा, ओवरहेड्स होंगे, तो ये सारे खर्चों के लिए वहाँ पे आपके खर्चे होते हैं। अब यहाँ पे भी इसको दो पार्टों में बांटा गया है, सीजनल वर्किंग कैपिटल जो कि सीजन से रिक्वायर्ड होता है, सीजन की वजह से जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल आपको लगाना पड़ता है। दूसरा स्पेशल वर्किंग कैपिटल, इट मे बी रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन अ स्पेशल सेल कैंपेन और फाइनेंशियल स्लो मूविंग स्टॉक और फाइनेंशियल फेसिंग अ पीरियड ऑफ स्ट्राइक और लुकआउट एट्सेट्रा। यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, या कुछ ऐसे आपने कैंपेन शुरू कर लिया, या फिर आपका जो है स्ट्राइक हो गई, तो वहाँ पे आपको पैसे की जो है बर्बादी हो रही होगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट योर वर्किंग कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।